हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हो? और अब आ गए हम ऊपर अपनी छत पर अपने पौधों को देखने के लिए, और इधर सांप योगा कर रहे हैं, और अब मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा पौधों में पानी दे दूंगी। कितना अच्छा लगता है पक्षी बोलते हुए। अच्छा, तो अभी पानी लगा देते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है तो सुबह शाम पानी देना ही होगा। पूरे दिन की गर्मी धूप कैसे बर्दाश्त करेगी ये? बेल को ज़्यादा जाते हुए शाम की धूप लगती है। इस लौकी की बेल को फल फूल तो रही अच्छी। ये दो फूल खिलेंगे आज। त्रिशूला भी ठीक चल रहा है। ये भी मैं अपनी रिश्तेदार के यहाँ से कटिंग ले आई थी। गुड़हल का मिलीबग का अटैक खत्म हो गया अब तो इससे। और ये हमारा गेंदा खिला है। अलमंडा चल गया। अब एक दो पौधा पोट करना है, वो करूँगी थोड़ी देर में। थोड़ा हल्का हल्का पानी लगा दूँ। ये पौधा ऐसा है, इसकी एक पत्ती भी नीचे गिर जाए, मिट्टी से टच हो जाए तो एकदम ग्रोथ हो जाती है। ये दिल्ली से एक पत्ती आ गई थी और उससे ही मैंने कई पौधे बना लिए। मिट्टी तो गिली है ना, थोड़ा थोड़ा वैसे ही दे देती हूँ ऊपर से ही। और ये प्याज के छिलके और आलू के छिलके, इनका लिक्विड फर्टिलाइजर बना दूंगी थोड़ी देर में भी। लिली का मुरझा चुका, पिंका का फूल कितना सुंदर खिला। कोयल है ना, या कोयल बोल रही ना, या सुबह ही सुबह कोयल की आवाज। ओहो, ये तो याद ही नहीं रहा था, इधर कोने में टांग रखा था। इसमें तो मैं कल भी पानी नहीं दे चुकी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था।
साइड में। चलो अब थोड़ा शाम को दे देंगे इसमें, दिन भर की धूप को सहन करने की शक्ति हो जाएगी इन पौधों में सब में। पूजा जी की मैं वीडियो देखती हूँ तो वो भी बोल रही थी कि सुबह शाम छिड़काव करो पौधों में। अभी जुलाई तक इतना बारिश ही नहीं होती, तब तक थोड़ा पौधों के लिए मुश्किल है। थैंक यू, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।